पक गए हैं, अब खट्टे हैं। ओह, बहुत सारे बेरीज। कल जब हम स्कूल के पीछे की झाड़ियों में टहल रहे थे तब हमने उन्हें देखा। बहुत सारी बेरीज थी, सारी झाड़ियाँ उनसे भरी हुई थी। वो मीठी थी पर कुछ बेरीज खट्टी भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें खाने में बड़ा मजा आया। सचमुच शिज़ुका? बहुत अच्छा, मुझे भी वो चखनी है। चलो हम साथ में चलते हैं, वो हमारी सीक्रेट जगह होगी। वो जगह किसी को मत बताना। क्या किसी को मत बताना? हे नोबिता, मुझे भी बताओ वो सीक्रेट जगह कहाँ पर है। तुम किस जगह के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, अब कितना भोला बन रहा है। देखो, ज्यादा होशियार मत बनो, अब बताओ वो बेरीज के खेत कहाँ पर है। बेरीज? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो इसका मतलब तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे क्यों? मैंने कहा मैं नहीं पता तो नहीं पता। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? हाँ, इसे क्या हो गया? लगता है नोबिता का दिमाग खराब हो गया है। वो अपना मुंह जरूर खोलेगा, मुझसे कोई बात छुपाने की वो हिम्मत कैसे कर सकता है। मैं तो डर ही गया। बोलो नोबिता, तुमने उन्हें इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, मैंने उन्हें ये यकीन दिलाया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा किया, अगर जियान को पता चल जाता तो वो सारी बेरीज खा जाता। तुम सही कह रहे हो, वो सारी बेरीज खा जाता। जहाँ तक मैं जियान को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों, ठीक कहा ना? नोबिता, तुम उसे बेरीज के बारे में कुछ नहीं बताओगे। वो बेरीज इतनी मीठी थी, मैं उसे वो बेरीज कभी खाने नहीं दूंगा। तुम ठीक कह रहे हो, हम बेरीज को बचाएंगे। चलो चलकर उनमें से कुछ खा लेते हैं। और मैं शिज़ुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? अरे आ रही हूँ। हेलो, ये नोबी का घर है। ओ, मिस्टर तनाका जी, बताइए आपने फोन कैसे किया? ओह, आई एम सॉरी, मेरे हस्बैंड अभी मछली पकड़ने गए हैं। ओह, क्या ये जरूरी है? मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कांटेक्ट कर पाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी, वो जैसे ही आ जाते हैं मैं उन्हें आपको फोन करने के लिए कह दूंगी। अच्छा, गुड बाय। ओह, अब क्या करूँ? क्या उन्हें डैड से बात करनी है? हाँ, शायद कुछ जरूरी बात है, वो तो मछली पकड़ने गए हैं, अब उन्हें कैसे कॉन्टेक्ट करें? मेरे पास कुछ है, मैं वो यूज करता हूँ। क्या यूज करोगे डोरेमोन? वो है मैसेज कैनन। मैसेज कैनन? हाँ, जो तुमसे दूर है तुम उससे भी बात कर सकते हो। नोबिता के डैड को ढूंढो, नोबिता के डैड को ढूंढो। ओ? हाँ, डैड वहाँ पर है। वो रहे डैड। ओ, ये तो तालाब के किनारे फिशिंग कर रहे हैं। मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है, उनसे आप फौरन बात करो। हमारी आवाज़ दीवारों को पार कर गई, क्योंकि वो साउंड है। डैड को फौरन मैसेज दे देना। लगता है मछली फंस गई। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है, उनसे आप फौरन बात करो। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या मैनेजर को मेरी जरूरत है? ओ, डैड भाग रहे हैं, क्योंकि वो फोन ढूंढने में बिजी हैं। उन्हें मैसेज मिल गया डोरेमोन। ये कमाल का है ना? हाँ, सचमुच। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। मैं शायद अब शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ। बाय मॉम, बाय।
शॉपिंग, मुझे पता है। नोबिता नोबी की मॉम को ढूंढो। देखो ये रही मॉम। अब तुम क्या करोगे? मैं स्विच को ऑन करूंगा। क्या ये सही टाइमिंग है? प्लीज मुझे दो पेस्ट्रीज दीजिए। नहीं, ऐसा कीजिए, दो के बजाय चार पीसेस दीजिए। क्या आप पेस्ट्री खरीदना चाहेंगी? अब ठीक है। अरे मुझे पेस्ट्री खाने को मिल गई। थैंक यू मॉम। मैंने इन्हें खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था। अजीब बात है। हमने कर दिखाया। नोबिता जरा मुझे बताओ तो कि तुम अपनी स्मार्टनेस इन चीजों में ही क्यों दिखाते हो? तुम तो बिल्कुल बेशरम हो। पर ये केक तो मजेदार है ना? आखिर इसे मैंने जो मंगाया है। ओ, मुझे पहले से ही पता था कि आज हम कोई मजेदार चीज खाने वाले हैं। ओ, तुम अब कह रहे हो तो चलो देखते हैं। मैं शिजुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? हाँ, हम तो शिजुका को फोन करने वाले थे। चलो उसे बुलाने के लिए मैसेज कैनन यूज करते हैं, ठीक है ना? वो रही शिजुका। नोबिता ने मुझसे कहा था कि हम बेरीज खाने जाएंगे, मगर वो तो आया ही नहीं। शिजुका, हम बेरीज खाने जा रहे हैं, तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है? ओके। शिजुका हमारे घर आ रही है। जियान और सुनियो को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। हे सुनियो, अगर हम यहाँ खड़े रहे तो हमें जरूर पता चल जाएगा कि वो शिजुका के साथ कहाँ जाने वाले हैं। काश हमें ये पता चल जाए कि वो बेरीज के खेत कहाँ है। मैं उसका पता लगा कर ही रहूँगा। क्या करें? एक आइडिया है। अब तुम क्या करोगे? जियान, खेलना बंद करो और घर आ जाओ अभी, वरना अच्छा नहीं होगा। ये तो मेरी मॉम है। सुनियो, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें एक टेस्ट में जीरो मिला है? मम्मी, मुझे माफ करो मॉम, प्लीज मुझे छोड़ दे और खेलने दो ना मॉम, प्लीज। वो देखो, शिजुका वापस गई। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे पूरा यकीन है कि ये नोबिता की कोई चाल है। हाँ, हो सकता है। ऐसा करते हैं, शिजुका का पीछा करते हैं। काश शिजुका जल्दी आ जाती, वो कहाँ होगी? उसका पता लगाना पड़ेगा। वो रही। ओ नो, तुम क्या करी? अब हम क्या करें नोबिता? शिजुका, अभी मौसम ठीक नहीं है, तुम बाद में आना, समझ गई? अरे अभी मौसम ठीक नहीं है, तुम बाद में आना, समझ गई? हाँ, ये तो नोबिता की आवाज थी। वो मुझे कभी बुलाता है, कभी चले जाने को कहता है। वो तो वापस जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अब जियान और सुनियो हमारी बेरीज नहीं खत्म कर पाएंगे। मैंने सही कहा ना? वो दोनों लालची हैं, वो दोनों पेटू हैं। जियान और सुनियो बहुत मतलबी हैं। ओह नो, ये तो अभी तक चालू था। हाँ? इसका मतलब चलो पीछा करें। चलो, वो रही शिजुका। सुनियो हमारी बेरीज नहीं खत्म कर पाएंगे। मैंने सही कहा ना? वो दोनों लाची हैं। जियान और सुनियो बहुत मतलबी हैं। नोबिता और डोरेमोन की ये हिम्मत, उनकी इतनी हिम्मत। मुझे माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। हम तुम्हें बताते हैं कि बेरीज कहाँ हैं। हमें उन्हें बताना ही होगा। क्यों हमसे होशियारी? दरअसल बात ये है कि तुम दोनों हमसे ये बात छिपाना चाहते थे, क्यों, है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। जियान सुनियो, तुम बेरीज को खराब मत कर देना, हम सब मिल बात के खाएंगे। मेरा कहना मानोगे ना? तुम्हारा कहना कैसे टाल सकते हैं, क्यों सुनियो? हाँ। दोस्तों के साथ बेरीज खाने का कुछ और ही मजा है। अब समझ में आया? हाँ, ये वाली बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत हाँ, अच्छी है। मैं तो सारे बेरीज खा जाऊंगा। कितनी शांति है, कभी कभी घर से बाहर जाना अच्छा होता है। आंटी को देखे हुए काफी अरसा बीत चुका है। हाँ, वो तुम्हें देखने के लिए उतावली होंगी। मुझे खुशी इस बात की है कि उनके हाथ का बनाया टेस्टी खाना मैं खाऊंगा। नोबिता, तुम्हें सुनकर तो ऐसा लगता है तुम अपनी आंट से मिलने नहीं उनके हाथ का खाना खाने जा रहे हो। तो क्या तुम खाना नहीं चाहते डोरेमोन? वो मैं तो दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले खुद को देख लो। ओ, क्या हुआ मॉम? ओ नहीं, मैं तुम्हारी आंटी के लिए गिफ्ट लाना भूल गई। तो आप उनके घर के पास वाली शॉप से खरीद सकते हो, ठीक है ना? अरे, पर लगता है मैं पैसे लाना भी भूल गई हूँ। शायद हमें फिर किसी और दिन आना पड़ेगा। इतनी दूर आने के बाद डोरेमोन, क्या तुम कुछ कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ। गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ? आपको कैसा गिफ्ट चाहिए? कैसा गिफ्ट चाहिए? फल कैसे रहेंगे? ठीक है, फल। हेलो हेलो, अंदर आ जाओ। अब ये थोड़े से फल आपके लिए लाई हूँ। अरे, तुम्हें कुछ भी लाना नहीं चाहिए था, ये जरूर महंगा होगा, है ना? नहीं, कुछ खास नहीं। तुमने तो आज मेरी बहुत मदद की डोरेमोन। ओ मॉम, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तुम्हें इनाम में कुछ खरीद कर दूंगी। तुम्हें क्या पसंद है बोलो? अगर ऐसा है तो मुझे बीन जैम केक पसंद है। बीन जैम केक, बीन जैम केक, वही दिलाएंगी ना? बीन जैम केक। ओ, ये बीन जैम केक्स के लिए बहुत बुरा हुआ। तुम्हें अभी भी बीन जैम केक चाहिए? हे, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ दूसरों को देने के लिए जादू की गिफ्ट बनाता है। ओ, ये बात है। तुम अपने लिए नहीं बना सकते। ये इतना आसान नहीं है। तो ये बात है। डोरेमोन, क्या तुम मुझे दे सकते हो प्लीज? ठीक है, पर किसके लिए? शिजुका के लिए। और किसके लिए? ओह, शिजुका के लिए गिफ्ट। अब ये तुम मुझे दो। ये नोबिता के लिए अच्छा है। हाय, कैसी हो शिजुका? क्या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए? हाँ चाहिए, मुझे एक बड़ा सा स्टफ बियर चाहिए। पर पता है,
मेरे पेरेंट्स उसे लेके नहीं देंगे। बड़ा सा स्टफ्ड बियर, मैं अभी तुम्हारे लिए लाता हूँ, ठीक है? अब शिजुका मुझसे खुश हो जाएगी, मजा आएगा। ना 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 ना। बड़ा सा स्टफ्ड बियर। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। क्या तुम्हें पक्का पता है? हाँ पक्का, ये फ्री था। मुझे तो ये काफी महंगा लगता है। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस मेरा एक काम कर दो। कौन सा काम? मैं चाहता हूँ कि तुम ये लेकर मेरे घर आओ और अंदर आने से पहले तुम कहना वीडियो गेम, समझ गई? ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा काम है। फिर मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ओह इतना बड़ा डॉगी, ये क्या है? उसे इतनी देर क्यों लग रही है, उसे अभी तक आ जाना चाहिए था। नो बेटा। शिजुका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये क्या है, ये इतना भारी है। चलो देखते हैं क्या है। उसमें से वो बुलडॉग बाहर निकला, वो कितना डरावना था नोबिता। सॉरी शिजुका, मैंने तुमसे ये काम करने के लिए कहा। ठीक है, पर मेरे बड़े बियर के लिए थैंक्स। कुछ नहीं होता, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया शिजुका। अब मुझे घर जाना चाहिए, बाय। बाय बाय, कल स्कूल में मिलते हैं। बाय बाय। अब किसकी बारी है? ये लो। क्या तुम मुझे ये रिमोट कंट्रोल कार दे रहे हो? थैंक्स नोबिता। जियान, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? कौन सा काम? मैं चाहता हूँ कि ये क्लॉथ तुम मेरे घर लेकर आओ और अंदर आने से पहले कहो वीडियो गेम। बस इतना छोटा काम? हाँ बस इतना सा। नोबिता, मैं ये काम तुम्हारे लिए जरूर करूँगा। ये कूड़ा यहाँ पे किसने फेंक दिया? जियान मेरे लिए वीडियो गेम ले आया। थैंक यू जियान। मैं ये क्या है? तुम ये क्यों लाए? तुम कूड़ा क्यों उठा लाए? जियान ने मुझे इतनी तेज क्यों मारा? इतनी तेज लगी है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगर मैं लिख दूं तो ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तुम मुझे ये रेडियो कंट्रोल्ड कार देना चाहते हो? हाँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम करना होगा? चलो ठीक है, कर दूंगा। वैसे मेरे पास बहुत सारी कार्स हैं, पर ठीक है, इसे मैं रख लूंगा। ओके बाय। अजीब लड़का है। आखिर नोबिता के इस लिफाफे में है क्या? क्या वीडियो गेम? वीडियो गेम, यही तो मैं चाहता था। ये मुझे ही रख लेना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, सुनियो अभी तक आया नहीं, बड़ी देर हो गई उसे। अब मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। हाय नोबिता, तुम्हारी कार बहुत बढ़िया थी। हाँ क्या कहा? अरे वो कपड़ा तो मुझसे घूम गया। तुमने वो कपड़ा घुमा दिया? क्या हुआ नोबिता? डोरेमोन, सुनियो ने वो क्लॉथ। हाँ, सुनियो ने वो गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ घुमा दिया। चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। वो कहाँ है? यहाँ भी नहीं। डोरेमोन मुझे माफ कर दो। नोबिता तुम तो कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो। अगर तुम कुछ बोरो करते हो तो उसे वापस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी। ये वीडियो गेम है? हाँ?
बच्चों मैं घर आ गया। डैड आ गए। नोबिता तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या? हाँ, एक वीडियो गेम। ये बहुत महंगी है समझे। थैंक यू डैड। ये गिफ्ट रैपिंग क्लॉथ है। सुनिए जी हा? ये क्या लेकर आए हैं? अरे बेटे के लिए गिफ्ट लेके आया हूं। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने हैं। इस महीने हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं। अगले महीने से मैं आप दोनों की पॉकेट मनी आधी कर दूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अगर फिजूल खर्ची करोगे तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। बताओ या ना बताओ ये तो